मेरी आवाज न्यूज 24 लाइव में आपका खैर मकदम है। कांग्रेस से अली भाई भी टिकट के ख्वाहिशमंद। आइंदा रियासती असम्बली इंतखाबात के लिए नांदेड़ शुमार असम्बली हलके से टिकट के ख्वाहिशमंदों में खदीम शहर के मारूफ समाजी कारकुन अली भाई दर्दावाले भी शामिल हैं। आज प्रगति महिला मंडल पर अली भाई दर्दावाले ने अपनी ज़बरदस्त अफरादी क़ुव्वत का मुजाहरा किया। हज़ारों मर्द ख़वातीन और नौजवानों के साथ एक काफिले की शक्ल में अली भाई दर्दावाले प्रगति महिला मंडल पहुंचे और उन्होंने कांग्रेस के आला कायदीन से शुमाल असम्बली हलके नांदेड़ से कांग्रेस की टिकट का मुतालबा किया। साबिक वजीर आला महाराष्ट्र मिस्टर अशोकराव चौहान ने जो ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों का इंटरव्यू ले रहे थे, बेहद सुकून और दिलचस्पी के साथ अली भाई दर्दावाले के मौक़िफ़ की समाअत की। इस मौके पर दिगर कांग्रेसी मुशाहिदीन व कायदीन भी मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैंने नांदेड़ उत्तर विधानसभा से उम्मीदवारी मांगी है कांग्रेस पार्टी से। मुझे उम्मीद है, मुझे ये कांग्रेस पार्टी एक सेकुलर पार्टी है। मुझे अशोक राव साहब से कांग्रेस पार्टी से ये उम्मीद है कि उत्तर क्षेत्र से मेरे को टिकट दिया जाएगा। मैं 20 साल से कांग्रेस का काम करते आ रहा हूँ। विपुल सावंत साहब के भी प्रभाग में पूरा काम किया, मतदार संघ में काम किया और मैंने इससे पहले इलेक्शन भी लड़ा हूँ। हिंदू मुस्लिम सारे समाज के लोग मेरे साथ हैं। इंशाअल्लाह मेरे को कांग्रेस का टिकट दिया जाएगा। आपने कांग्रेस से ही टिकट क्यों मांगा? कांग्रेस एक सेकुलर पार्टी है और जनाब अशोक राव साहब नांदेड़ के होने के वजह से पार्टी को बहुत अच्छा लेके चलते, हर समाज को अच्छा लेके चलते, हर समाज को लेके चलते। इस वजह से मेरी पहली ख्वाहिश कांग्रेस है। आपको उम्मीद है टिकट देंगे कांग्रेस? उम्मीद तो है,